क्रिकेट विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के लिए यह खेल एक जश्न की तरह है, जो हर दिन करोड़ों लोगों को खुश रहने का कारण देता है। भारत में इस खेल को धर्म का दर्जा हासिल है। इसे खेलने वाले लोगों को भगवान माना जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी इस खेल की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इन देशों के बिल्कुल करीब मौजूद अफगानिस्तान का इतिहास इस खेल को लेकर अपने साथी देशों जैसा नहीं रहा है। प्रकृति की जादूगरी से घिरे इस देश ने पराधीनता, गरीबी और भुखमरी का एक लंबा इतिहास देखा है। जहां खुशियां और जश्न मनाने के कारण खोजने का मौका इस देश को बहुत बाद में जाकर क्रिकेट के रूप में मिला, और आज यह देश देर से ही सही लेकिन इस खेल में तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी देश के इतिहास में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और तरक्की को जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला क्रिकेट हिस्ट्री। अफगानिस्तान, द हार्ट ऑफ एशिया के नाम से मशहूर इस देश का प्राचीन इतिहास भारत की ही तरह बहुत शानदार रहा है, लेकिन 18वीं शताब्दी से इस देश को पता नहीं किसकी नजर लग गई, जिससे यह देश आज तक उभर नहीं पाया है। 18वीं सदी के एक लंबे कालखंड में इस देश पर दुर्रानी साम्राज्य का अधिकार रहा, जिसके बाद 19वीं सदी के तीसरे दशक में इस देश पर ब्रिटिश हुकूमत की नजर पड़ी और लगभग आधे विश्व पर अपना प्रभाव रखने वाली अंग्रेजी सेना ने साल 1878 में शुरू हुए दूसरे इंडो अफगान युद्ध के साथ ही इस देश पर अपना कब्जा जमा लिया था। युद्ध की विभीषिका और गरीबी की तरफ बढ़ रहे इस देश का इतिहास उठाकर देखें तो साल 1839 वह साल था जब अंग्रेजों के जरिए इस देश में क्रिकेट ने पहली बार दस्तक दी थी, लेकिन अंग्रेजों के अधिकार में आने वाले बाकी देशों की तरह यह खेल अफगानिस्तान में जल्द ही पनप नहीं पाया। पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान काबुल में पहली बार अंग्रेजी सैनिकों ने क्रिकेट खेला था। इतिहास में यहां से अफगानिस्तान में क्रिकेट खेलने के प्रमाण मिलते हैं। साल 1932 में भारत ब्रिटिश हुकूमत में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाला पहला एशियाई देश बना, जिसके 20 साल बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले देशों में शामिल कर लिया गया था। यानी कि अफगानिस्तान के दो सबसे करीबी पड़ोसी देशों का एक नया सफर शुरू हो गया था, लेकिन अफगानिस्तान अब तक इस खेल का कहरा भी नहीं सीख पाया था। न के बराबर संसाधन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच इस देश में क्रिकेट को लोग पहचानने लगे थे, लेकिन इसमें आगे बढ़ने का विचार दूर दूर तक किसी के मन में भी नहीं था। साल 1926 में अफगानिस्तान को एकीकृत स्वतंत्र देश का दर्जा मिल गया था, मगर आतंक और भुखमरी का साया इस देश से दूर नहीं हो पाया था। 70 के दशक में युद्ध के माहौल से तंग आकर बहुत से अफगानी लोगों ने पाकिस्तान की तरफ पलायन किया और वहां इन लोगों की मुलाकात एक बार फिर क्रिकेट से हुई। पाकिस्तान में मनोरंजन के लिए उन्होंने भी यह खेल खेलना शुरू किया, लेकिन वो लोग अपने देश में इस खेल को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते थे। 90 के दशक में एक बार फिर तालिबान के डर से पलायन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब की बार का यह सफर अफगानिस्तान को एक नई राह की तरफ ले जाने वाला था। अपना देश छोड़कर रिफ्यूजी के तौर पर पाकिस्तान आए लोगों ने यहाँ पाकिस्तानी लोगों के साथ यह खेल खेलना शुरू किया। अपने इतिहास में अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को भुलाने के लिए यह रास्ता अफगानी लोगों के लिए सबसे सस्ता था। इन्हें बल्ले के रूप में रिफ्यूजी कैंप्स में जो कुछ भी मिल जाता वो उसे उठा लेते और दिन भर क्रिकेट खेलते रहते। साल 1992 में पाकिस्तान विश्व चैंपियन बना और इसने पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में भी क्रिकेट को लेकर एक तरह का नया जुनून भर दिया था। रिफ्यूजी कैंप में अपने लोगों के बीच बैठे ताज मलिक ने इस खेल को अफगानिस्तान में एक नई दिशा देने का मन बनाया, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। ताज मलिक अफगानिस्तान के किसी भी शख्स को क्रिकेट से जुड़ने के लिए कहते तो उनका परिवार मलिक को गालियां देने लगता था, क्योंकि जिस देश में एक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ काम न हो, वहाँ ताज मलिक लोगों को अपना काम छोड़कर एक ऐसा खेल चुनने के लिए कह रहे थे जिसमें उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। खैर, ताज मलिक की कोशिशें जारी रही और साल 1995 में उन्होंने इतने लोगों को जोड़ लिया था जो अफगानिस्तान क्रिकेट को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए काफी थे। साल 1975 में पैदा हुए ताज मलिक ने 20 साल की उम्र में अपने हौसले की बुनियाद पर तालिबान के विरोध के बावजूद अफगानिस्तान क्रिकेट फेडरेशन की स्थापना की और आज ताज मलिक को अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जनक माना जाता है। आगे चलकर तालिबान सरकार ने भी अफगानिस्तान में क्रिकेट को लेकर रियायतें देना शुरू कर दिया था और फिर साल 2000 में अफगानिस्तान की पहली क्रिकेट टीम का गठन हुआ, जिसे अगले साल अमेरिका के दखल के बाद तालिबान से मुक्ति मिलने के साथ ही आईसीसी की एफिलिएट सदस्यता भी मिल गई थी। आईसीसी की मंजूरी के बाद साल 2003 में अफगानिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी अपने ग्रुप में शामिल कर दिया। साल 2004 में अफगानिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी में हिस्सा लिया जो कुआलालंपुर में खेली गई थी और वहां मलेशिया को हराकर अपने हुनर का पहला नमूना सबके सामने रख दिया था। इस साल एसीसी ट्रॉफी में छठे पायदान पर अपना सफर खत्म करने वाली अफगानिस्तान टीम साल 2006 में खेले गए मिडिल ईस्ट कप में रनर अप रही, जहां इस टीम ने माइक गेटिंग जैसे खिलाड़ियों से सजी एमसीसी टीम को
171 रनों से हराया था। साल 2006 में इस टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया, जहां 7 में से 6 मैच अफगानिस्तान ने अपने नाम किए थे और इन 6 मैचों में से 3 मैच ग्लिमोर्गन, लंकाशायर और एक्सेस जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले गए थे। साल 2007 में ACC T20 कप के तौर पर अफगानिस्तान टीम ने ओमान को हराकर अपना पहला टूर्नामेंट टाइटल हासिल किया था। अफगानिस्तान में क्रिकेट को लेकर बढ़ रही लोकप्रियता और इस देश के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए ICC ने अफगानिस्तान को वनडे स्टेटस देने का फैसला किया। नामीबिया के खिलाफ खेले गए एक मैच में 21 रनों से मिली जीत ने अफगानिस्तान को वनडे क्रिकेट में पदार्पण करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद स्कॉटलैंड टीम के विरुद्ध अफगानिस्तान ने अप्रैल 2009 में अपना पहला वनडे मैच खेला था। इस मैच में नवरोज मंगल ने अफगानिस्तान क्रिकेट का नेतृत्व किया और अपनी टीम को 89 रनों से जीत दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान का आगाज तो हो गया था, लेकिन देश के हालात अब भी खराब थे। साल 2010 में एक टूर्नामेंट के न्यूजर्सी जाने वाले अफगानी टीम के खिलाड़ियों के पास एयरपोर्ट जाने तक के पैसे भी नहीं थे। यही नहीं, इन खिलाड़ियों को अपने मैचों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए भी सिर्फ नाम मात्र ही जगह मिल रही थी। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ती रही और फिर 1 फरवरी साल 2010 के दिन इस टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना आगाज किया, लेकिन मैच अफगानिस्तान जीत नहीं पाई थी। इसी बीच जिम्बाब्वे की धरती पर उन्हीं की टीम के खिलाफ अफगानिस्तान ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच भी खेला, जो टाई पर खत्म हुआ था। इस मैच में नूर अली ने शतकीय पारी खेलकर अपना स्थान पहले फर्स्ट क्लास मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर दर्ज करवा लिया था। अप्रैल 2010 में आयरलैंड को विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में 8 विकेट से हराकर अफगानिस्तान ने अपनी जगह T20 विश्व कप के लिए ग्रुप सी में बना ली, जहां इस टीम का पहला मुकाबला भारत के खिलाफ खेला गया था। इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाड़ी नूर अली ने 68 पारी खेली, लेकिन यह पारी उनकी टीम को हार से नहीं बचा पाई। साल 2010 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप और ACC ट्रॉफी की विजेता रही अफगानिस्तान टीम का अगला मकसद साल 2011 विश्व कप में शामिल होना था, जिसके लिए इस टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन कनाडा के हाथों मिली हार ने इस टीम से अपना पहला वनडे विश्व कप खेलने का मौका छीन लिया। साल 2012 में अफगानिस्तान को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ वनडे मैच खेलने का मौका मिला, जो इस टीम के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। 27 जून साल 2013 वह दिन रहा जब अफगानिस्तान को ICC ने अपने एसोसिएट सदस्यों की सूची में शामिल कर लिया था। यहाँ कर अफगानिस्तान क्रिकेट फेडरेशन का नाम बदलकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख दिया गया था। 25 दिसंबर साल 2015 के दिन जिम्बाब्वे को हराकर अफगानिस्तान की टीम पहली बार ICC रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुई थी। इन सब नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा था यह देश अब क्रिकेट में एक नई महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। एसोसिएट सदस्य बनने के बाद अफगानिस्तान को अपना क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए ICC की तरफ से $7 लाख की जगह $8,50,000 की फंडिंग मिलने लगी थी और इससे अफगानिस्तान में क्रिकेट क्लब्स की संख्या बढ़ने लगी। लोग क्रिकेट को प्रोफेशन के तौर पर लेने के बारे में सोचने लगे। खिलाड़ियों के हालात में थोड़ा सा ही सही, लेकिन परिवर्तन आने लगा था। इन सब बदलावों का नतीजा यह रहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने साल 2015 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया और वहां अफगानिस्तान का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान को 105 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 25 फरवरी साल 2015 के दिन स्कॉटलैंड को 1 विकेट से हराकर अफगानिस्तान ने वनडे विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। फरवरी 2017 में अफगानिस्तान क्रिकेट की उड़ान में एक और पंख लग गया जब ICC ने 4-day डोमेस्टिक कंपटीशन की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा दे दिया था। इसी साल अफगानिस्तान को टेस्ट प्लेइंग नेशन का नाम भी मिला और जल्दी भारत के खिलाफ इस टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच भी खेला, जो अफगानिस्तान हार गई थी, लेकिन अब यह देश ICC के सबसे सशक्त लिस्ट का हिस्सा बन गया था। अफगानिस्तान क्रिकेट को अब लगभग सब कुछ मिल गया था, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था। हर वक्त आतंकवादी हमले, चोरी चकारी और बम धमाके के डर में जी रहे इस देश को क्रिकेट के खेल में अपनी खुशियां मिलने लगी थी। लोग अपने देश में अपने खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखकर खुश थे, लेकिन फिर साल 2017 की एक सुबह अफगानिस्तान के एक मैदान पर क्रिकेट मैच के दौरान एक आत्मघाती विस्फोट हुआ, जिसमें कुछ लोगों के मरने की खबर आई और कुछ ऐसे ही अगले साल भी हुआ, जहां 8 लोग मारे गए थे। इन सब बातों से भी इस देश के लोगों ने क्रिकेट देखना नहीं छोड़ा था, लेकिन इन सबके बाद अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होना बंद हो गए और अब इस देश का होम ग्राउंड भारत के कुछ मैदान बन गए थे, जहां BCCI ने अफगानी खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई। साल 2019 में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की, जिसके बाद इसी साल अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को उन्हीं की धरती पर 224 रनों के बड़े अंतर से टेस्ट मैच हराया। इसी साल हुए विश्व कप में भी अफगानिस्तान का प्रदर्शन बढ़िया रहा था। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के मैच को कौन भूल सकता है, जहां एक समय में अफगानिस्तान भारत पर पूरी तरह से हावी हो गया था। आज अफगानिस्तान में 10 क्रिकेट स्टेडियम, 500 से ज्यादा क्रिकेट क्लब और बहुत सी बेहतरीन सुविधाएं हैं।
साथ ही इस देश के बहुत से खिलाड़ी आईपीएल से लेकर विश्व भर की बहुत सी लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं। राशिद खान, जिन्होंने कुछ साल पहले विश्व क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान बनने का कीर्तिमान स्थापित किया था, उन्हें और उनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद नबी, जादरान और मोहम्मद शहजाद जैसे खिलाड़ियों को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम हसमतुल्ला शहीदी की कप्तानी में शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें देश की मदद बेहतरीन कोचिंग स्टाफ भी कर रहा है। अफगानिस्तान ने अभी तक खेले 138 वनडे मैचों में से 69 मैचों में जीत हासिल की है। 104 टी20 मैचों में इस देश के नाम 68 जीत दर्ज हुई है। तो वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी अफगानिस्तान ने 6 मैचों में से 3 मैच जीते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अफगानिस्तान आगे भी अपने सफर को बेहतर ढंग से जारी रखेगा और यह देश विभिषिकाओं के चुंगल से निकलकर विश्व क्रिकेट में चैंपियन बनेगा, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करके हमारे हौसले बढ़ाएं। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा रहता है तो हम इस सीरीज को यूं ही जारी रखेंगे और अलग अलग देशों के क्रिकेट इतिहास की जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।